अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। मेरी प्रीवियस वीडियो वेंटिलेशन, टनल वेंटिलेशन के हवाले से आपने देखा कि फ़ैन हमने कैलकुलेट कर लिए थे और हमने वो 3.33 फैंस कैलकुलेट किए थे और मैंने आपको बताया था कि 0.33 के बाद जो फ़ैन है उसको आपने टाइमिंग पे कैसे लगवाना है। अभी मैं आपको बताऊँगा, उस वीडियो में भी जिक्र हुआ था कि पैड कैसे कैलकुलेट करना है और जो पानी की मोटर है वो हमने किस तरह से उसकी टाइमिंग एडजस्ट करनी है कि हमारे पास 28 डिग्री टेम्परेचर आ जाए या वो टेम्परेचर आ जाए जो हमने लेना है। ठीक है जी, वीडियो को शुरू करते हैं। विंड चिल इफ़ेक्ट ये है जी, एक सिस्टम होता है एसी, एयर कंडीशन, के बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री है, आपने अंदर उस पर 26 डिग्री कर दिया तो वो आपकी हवा को ही 26 डिग्री का करके पूरे जो रूम है उसका टेम्परेचर एक जैसा कर देगा। ये एसी का सिलसिला है, ठीक है। इसमें पूरे रूम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसमें हवा बाहर से अंदर क्रॉस नहीं हो रही होती, जस्ट वो अंदर की हवा को ठंडा करके बार बार सर्कल कर रहा होता है। ठीक है जी, दूसरा सिलसिला है रूम कूलर्स का। कूलर में क्या होता है कि ये फ़ैन लगा है, ये खस्से लगी हुई हैं, इनमें आप पानी डालते हैं और हवा जो है वो जब निकलती है तो वो ठंडी होकर निकलती है, यानी कि ये 45 की हवा अंदर गई और यहाँ पे 26 डिग्री की आपको मिली। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इफ़ेक्ट हुआ है इसको हम कहते हैं विंड चिल इफ़ेक्ट, हवा को ठंडा करके आपकी बॉडी के साथ टकराई। ठीक है, शेड की लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक शेड है और ये हैं उसके पैड्स, यहाँ लगे हैं फ़ैन। ये फ़ैन जब एयर खींचते हैं तो बाहर से 45 डिग्री की हवा अंदर आती है, यहाँ से गिरता है पानी, उस पानी में जब हवा एंटर होती है तो 28 डिग्री की हो जाती है और यहाँ तक पहुँचते 29 डिग्री की। अब बाहर की हवा को पानी ने ठंडा करके यहाँ पे 28 डिग्री कर दी है, जो बर्ड को यहाँ जो ब्रॉयलर बैठा है बर्ड उसको जो एयर फील हो रही है वो 28 डिग्री की फील हो रही है, यानी कि हमने हवा को चिल कर दिया और उसने बर्ड के ऊपर जो इफ़ेक्ट डाला वो 28 डिग्री का था जो बर्ड को फील हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विंड चिल इफ़ेक्ट। ठीक है जी, ये विंड चिल इफ़ेक्ट टनल फॉर्मुलेशन में, टनल वेंटिलेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो जितनी भी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशन इस एक विंड चिल इफ़ेक्ट के ऊपर है। हम पैड कैलकुलेट करेंगे कितना खोलना है, पहले हमने फ़ैन कैलकुलेट किए, फिर हम पैड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना पानी चाहिए और कितनी देर के लिए चाहिए कि वो 45 डिग्री को 28 डिग्री पर लेके आए ताकि ये हवा का विंड चिल इफेक्ट क्रिएट हो सके। पहले देखते हैं ये है जी कितने पैड चाहिए, हाउ मच पैड। तो इसका सीधा सा असूल है कि एक जो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्डाइज फ़ैन जो इस्तेमाल होता है वो 48 इंच का होता है और तकरीबन उसकी जो CFM है 22,000 से 24,000 CFM होती है। ठीक हो गया, उसके लिए एक फ़ैन के लिए 80 स्क्वायर फीट आपको पैड चाहिए। एग्जांपल, जो पैड्स होते हैं वो यूं पार्टीशंस के फॉर्म में होते हैं, ऐसे 2 फीट और यूं होते हैं 6.5 फीट। आपका शेड अगर उसकी लेंथ, अगर पैड लगे हुए हैं, अगर उसकी चौड़ाई 50 फुट है, ठीक है 50 फीट है, तो फिर हम उस पैड को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो फ़ैन हमने कैलकुलेट किए थे वो थे 3.33 फैंस, तो इनके लिए कितनी स्पेस चाहिए होगी। ठीक है जी, फ्रंट वाले पैड की, और उसमें 6.5 फीट का पैड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर फिट एरिया आ जाएगा कि हमारे पास टोटल फ्रंट वाला पैड कितने स्क्वायर फिट एरिया का है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये करें कि 80 फीट को मल्टीप्लाई करें 3.33 के साथ तो आपके पास टोटल स्क्वायर फिट एरिया आ जाएगा। हमें टोटल स्क्वायर फिट एरिया चाहिए कितना जी, वो हम तकसीम करके देख लेते हैं। 3.33 मल्टीप्लाई बाय 80,
266, हमें जो टोटल एरिया चाहिए वो है 266 फिट स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट है 50 फीट, कि हमारे पास जो शेड की चौड़ाई है वो 50 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 पे। ठीक है जी, 266 को जब हम 50 पे डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा, हम उतने फिट पैड को खोल लेंगे, तकसीम करें 50 पे, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 5.3 फीट। यानी अगर आप पैड को ऊपर से या नीचे से 5.3 फीट खोलेंगे तो हमारे पास ये जो एरिया बनेगा, ये सारे का सारा एरिया 3.33 फैंस के लिए सफिशेंट होगा हवा की क्रॉसिंग के लिए, जितनी हमें CFM चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक फ़ैन के लिए 80 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, तो 3.33 के लिए 266 चाहिए। कांस्टेंट हमारे पास है 50 फीट जो चौड़ाई है। अगर आपका शेड 60 फीट है तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, 50 है तो 50 पे डिवाइड करेंगे, अगर आपका 52 है तो 52 से डिवाइड करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज अगर फिर भी हमारे पास एरिया यहाँ पर 7 फिट आ जाए, 8 फिट आ जाए, तो हम साइड वाले फ़ैन को इस्तेमाल, साइड वाले पैड को हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हम आधा ये खोलेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाता है 8 फिट, तो हम आधा ये खोलेंगे, साथ में हम उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल बेसिक रूल ये है कि आपने 80 स्क्वायर फीट एक फ़ैन के लिए देना है, टोटल 266 देनी थी जगह, तो अगर आपके पास ये 40 फिट है, 50 है, 60 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उतना पैड खोल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रंट आप खोलना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं साइड खोलूँ, साइड फ़ैन आपका, साइड वाला एरिया आपका 40 फिट है एक साइड, ठीक है, तो आपको टोटल 6.66 फिट एरिया चाहिए। तो अब आपने दोनों तरफ के खोलने हैं पैड, जब आप दोनों तरफ के पैड खोलेंगे, अब साइड पैड के लिए ये एरिया आ गया जी आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो, ये एक वन साइड का है पैड, ये सेकंड साइड का पैड है, और ये पैड है जी, ठीक है। तो आप 3.33 फिट इधर खोलेंगे, 3.33 फिट इधर खोलेंगे, क्योंकि आपके पास ये भी 40 है, ये भी 40 है, ठीक है जी। तो आपके पास ये 266 एरिया आ जाएगा, साइड आपने पैड इस तरह से खोलने हैं, एरिया आपके पास पूरा हो जाएगा। यहाँ तक वो क्वेश्चन है, आप नीचे पूछ सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है कि पानी की मोटर को कितना पानी हम देंगे और कितने टाइम के लिए चलाएंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 28 डिग्री वो हासिल हो जाए। यह है जी पानी का फार्मूला। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी कांस्टेंट है 0.018, ये है कांस्टेंट। दूसरे नंबर पे है टोटल CFM, CFM हम कैलकुलेट करेंगे ये कैसे आनी है। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, टेम्परेचर है ये फ़र्क है बाहर का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर अंदर का, यानी बाहर अगर 45 डिग्री है और हमें 28 डिग्री चाहिए तो इसका जो फ़र्क है वो आएगा, लेकिन वो आएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। हम जो कैलकुलेट करते हैं हम सेंटीग्रेड ग्रेड में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस फार्मूले में हमने फ़ारेनहाइट के अंदर उसको कैलकुलेट करना है, वो गूगल से करेंगे आसानी से हो जाएगा। तीसरी चीज़ आ गई 8747, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये बेसिकली हीट एनर्जी है जो चाहिए एक US गैलन वाटर को, यानी 4.5 लीटर पानी को जो एक घंटे के अंदर ख़त्म करके बुखारात में तब्दील कर दे, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये एनर्जी है, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इस फैक्टर को हमने फिर कुलिये में इस्तेमाल किया, ठीक है जी। अब ये कांस्टेंट हमारे पास है, टेम्परेचर हमने निकालना है, CFM हमने निकालनी है, बाकी चीज़ें हमारे पास है, तो हम कैसे निकालेंगे जी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल CFM। अब हमने ये निकालनी है डिपेंडिंग अपॉन द एयर वेलोसिटी, ठीक है, इसका फार्मूला है क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एयर वेलोसिटी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन हम निकालेंगे विड्थ यानी चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्स है उनकी ऊंचाई, और जो रूफ़ और वॉल का फ़र्क है वो जमा, ठीक है जी, ये हम निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया जो निकलेगा।
तो अगर आपके शेड की लंबाई ये चौड़ाई है 50 मल्टीप्लाई बाय दीवारें आपकी 8 हैं, रूफ का और दीवार का जो फ़र्क है वो 1 फुट है, तो ये टोटल आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 है, 50 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा 450। ठीक है जी, हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ गया 450। अब हम इसको फार्मूले में पिट करेंगे, CFM इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एयर वेलोसिटी। अब ये एयर वेलोसिटी कहाँ से लेंगे? टनल वेंटिलेशन में जो रिक्वायर एयर वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, मैं वो पिक्चर शेयर कर दूंगा। वो पहले हफ्ते से लेके दूसरे हफ्ते तक 100 से 200 होती हैं, फिर 200 से 300 होती हैं, फिर 300 से 4 से 600 तक। जो जिस कंडीशन में हम 45 डिग्री टेम्परेचर को 28 में लेके जा रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं फैंस का, तो जो हमारे पास एयर वेलोसिटी आएगी वो 600 आएगी, 450 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है जी, ये कट के 225 हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई बाय 600, तो टोटल हमारे पास जो CFM आएगी वो आएगी 135,000 CFM हमें रिक्वायर है। ठीक है, ये एयर वेलोसिटी 600 जो है, हमने क्या करना है, एक शेड में जितनी भी गैसेस हैं, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, सारी चीज़ों को और नमी को, ह्यूमिडिटी को निकाल, एक मिनट में हमने शेड से बाहर निकालना है। तो उन फैंस को जो एक मिनट चलें तो ये सारी चीज़ें, हवा एक दफ़ा सर्कुलेट हो जाए, फ्रेश एयर अंदर आ जाए, ये बाहर चले जाए एक मिनट में, उसके लिए हमें 600 इस एज के ऊपर 600 एयर वेलोसिटी रिक्वायर है। तो ये 600 इसलिए ली है। हमारे पास CFM भी आ गई, CFM आ गई 135,000। अब हमने टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर है जी बाहर का टेम्परेचर माइनस अंदर का टेम्परेचर, बाहर है 45, अंदर चाहिए 28। तो इसको हम जब फॉरन हाइट में कन्वर्ट करेंगे एफ में, करना क्या है, आप गूगल पे जाएं, लिखें 45 इंटू फॉरन हाइट, तो वो बता देगा कि ये 113 है और ये 82 है, तो इनका फ़र्क बनता है 31 फॉरन हाइट। बाहर अंदर टेम्परेचर का फ़र्क भी आ गया फॉरन हाइट के अंदर। अब हम सारा डाटा उसमें पुट करते हैं जी। पानी हमें रिक्वायर है जी H2O 0.018 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 135,000 डिवाइड बाय जो कांस्टेंट है 848747। जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी, इसको आप कैलकुलेट करें, 0.018 मल्टीप्लाई बाय 135,000 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 8747, ये आएगा 8.61 गैलन्स। तो गैलन को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 8.61 गैलन मल्टीप्लाई बाय एक गैलन में 4.5 लीटर होता है, तो हमारे पास टोटल पानी आ जाएगा, तो टोटल हमें चाहिए 38.75 लीटर्स ऑफ पानी, जो के 45 डिग्री टेम्परेचर को कन्वर्ट करके 28 पे ले जाए, या दूसरे अल्फाज में 113 फॉरनहाइट को 82 फॉरनहाइट पे ले जाए। ठीक है जी, अब हम इस लीटर पानी को किस तरह से पैड में चलाएंगे, कितनी देर के लिए चलाएंगे कि वो विंड चिल इफ़ेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाए। किसी भी शेड में जो पैड के ऊपर ये पाइप लगा हुआ है, ये 1.5 इंच का पाइप होता है जो इधर पानी फेंक रहा होता है, पैड्स को जो वेट कर रहा होता है वो 1.5 इंच का पाइप है, पीछे से बड़ा पाइप आ रहा होता है 3 इंच का, वो फिर 1.5 इंच में कन्वर्ट होता है। तमाम शेडों पर स्टैंडर्ड यही है, 1.5 इंच का पाइप होता है। तो ये 1.5 इंच का जो पाइप है, ये एक मिनट यानी 60 सेकंड में 100 लीटर पानी को फेंकता है। तो हमारा जो 38.7 लीटर पानी, उसके लिए हम मोटर को कितना चलाएंगे कि वो पानी आ जाए। ठीक है जी, वो हम कैलकुलेट करते हैं इकाई के कायदे से। 1.5 इंची का पाइप है जी, ठीक है जी, 100 लीटर पानी के लिए कितना टाइम यूज़ करता है, एक मिनट। तो एक लीटर पानी के लिए कितना यूज़ करेगा, 1/100, और 38.75 के लिए कितना यूज़ करेगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 38.75, 38.75 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 0.38 मिनट्स।
जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर तो 0.38 मल्टीप्लाई बस 60 से करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल जो आएगा ये तकरीबन 30 सेकंड्स आ जाएंगे, 28 से 30 सेकंड्स आ जाएंगे। यानी आधा मिनट, एक मिनट के साइकिल में अगर आधा मिनट आप चलाएँगे मोटर, तो आपको 38 लीटर पानी आपका इस्तेमाल हो जाएगा उस टेम्परेचर को पे आने के लिए जो आपके बर्ड को रिक्वायर है, यानी कि 28 डिग्री। ठीक हो गया जी। अगर आप इसको लेके जाएंगे 500 के साइकिल पे, तो तकरीबन 2 मिनट ये ऑन रहेगा मोटर और 3 मिनट की ऑफ रहेगी, तो आपका ये जितना भी आपको रिक्वायर है वो टेम्परेचर अटेन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आ गई हो, आगे चलते हैं। नल वेंटिलेशन का हमारा ये चैप्टर आज क्लोज हो गया है। हमने पैड कैलकुलेट कर लिए, हमने फ़ैन पहले नंबर पे फ़ैन कैलकुलेट किए थे, फिर हमने पैड कैलकुलेट किए हैं, और आज हमने पैड के साथ साथ हमने ये देखा कि कितना पानी कितनी देर के लिए चलाएंगे तो वो विंड चिल इफेक्ट क्रिएट होगा, हम टेम्परेचर अंदर 28 डिग्री पर ले आएंगे। इस वीडियो के मतलब टनल वेंटिलेशन के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत की जाती है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कराएँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।